बदमाश है, इसका बाप जो बदमाश था इतने कम है। लिया के बेटा मेरा पोता बहुत खच्चर परेशान हो चुकी। आप लोग दिल थाम के रहिएगा, हम लोग वाले एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और क्रियांश जो है फिलहाल अभी सो करके उठा हुआ है, इसलिए इसका बाल जो है आपको बिखरा बिखरा थोड़ा नजर आ रहा होगा। और ये हर बार जो है क्या करता है, एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है। यहाँ देखिए, ये पंखा का है रेगुलेटर, और यह रेगुलेटर जो है बार बार खोल देता है, तो इसलिए जो है अब हम लोग जो रेगुलेटर लगाते ही नहीं है। तो लगभग 1.5 महीना से यह रेगुलेटर नहीं लगा हुआ था, क्योंकि वैसे ठंड का मौसम था, कोई जरूरत भी नहीं था, लेकिन कल सोचा कि अब लगा लिया जाए क्योंकि अब जो धीरे धीरे ठंडी जा रही है। क्रियांश महाराज जो है देख लिया रेगुलेटर लग गया है, निकाल दिए फिर से, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। तब क्या करेंगे, पंखा का जो स्पीड है उसको 5 पर ही सेट करके रख देंगे और बस वही चलेगा, रेगुलेटर की कोई जरूरत नहीं, बस करना है ना। चलो क्रियांश नीचे चलते हैं, इनकी दादी सब है नीचे। प्रसाद चोरी कर देंगे फिराक में, हो रुको, आरती होगा तब ना, आरती होने उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, आरती होने दो, अरे आरती होने दो, उधर आओ दादी पास, आरती होने दो, उसके बाद प्रसाद रुको 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 इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, इतना इसका बेटा गुंडा है। दादी भी जब करेगा तो क्या बोलेगी पता है, मेरा पोता अभी मेरा बेटा, बेटा है, सब कहता है बहुत बदमाश है, इसका बाप जो बदमाश था इतने कम है, इतना उपद्रव करता है, इसलिए शैतान है। 3 दादी 1 बाबा यहाँ पे है, दादी का तो कोई वैल्यू नहीं है इसके पास, कोई वैल्यू नहीं है रे, कोई वैल्यू नहीं, इसका सब चाचा बदमाश था परेशान रहता है, तो खैर कान्हा का भोग अगर खाता है तो जीवन में कभी रोग नहीं होगा। सब लोग खाए कान्हा का प्रसाद, तब मेरा पोता पहले आप खाएंगे, इसको कटोरी चाहिए ना, इसको पूरा कटोरी लेके भाग जाता है, चुपके से भागता है, मेरा भी खा लिया देखे। जय गोविंद, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। इतनी परेशानी इसी बात की, कल जो रोया था, भाग जाता है ऐसे जगह पे जाता है कि जहाँ कोई नहीं, आराम से बैठ के, चुपके से कहता है परेशानी रे बाबू, चुपके से कहता है प्रियांश, चुपके से कहता है, मुझे देगा रे, नीचे में जिया देखो, नीचे में गिरा दिया, नहीं नहीं गिरता है तो उठा भी लेता है बाबू, बाबू हमको देगा जरा इतना बता दे काना, भाग जाए कोई नहीं लेगा तुम्हारा, तेरा रंग काला दादी को देगा, इसीलिए इतना बदमाश है ये कि दो दादी 3 दादी इसको प्यार करने वाली, इसको क्या क्या दादी है, 3 दादी, अबा नानी जा ना, अबा मुन्ना नीजा, क्या वो दादी है, रुक गए, अबा मुन्ना नीजा, 3 दादी है, बोलो अबा मुन्ना नीजा, बोलो। A few moments later. आज हम लोगों को जाना था गंगा स्नान के लिए, लेकिन पति देव का तबीयत खराब हो गया। हाँ, इसीलिए नहीं जा पाई, जो मेरा जो पोता है ना, 1 बजे रात तक ड्रामा किया, ये भी थी नहीं ड्रामा, ड्रामा किया तो क्या करते, जग गए, और मेरा बेटा जब ड्राइव नहीं कर सकता था, उसका तबीयत खराब है, तो कैसे गंगा स्नान जाती, गंगा माँ से मांग करके बेटा को लाई हूँ, तो बेटा को स्वस्थ रहेगा तब, इसका बेटा जो गंगा जल जिया के बेटा, मेरा पोता बहुत खच्चर परेशान हो चुकी, रात सोने नहीं देता आंटी को, है आंटी, मम्मी लोग आराम से सोने नहीं देता, इसके लिए कोई चिंता नहीं, झगड़े के चक्कर में तुमने अपने बेटे का बचपन देखा,
हमें पोते का बचपन देखे। हाँ दीदी कहती थी क्या तुम्हारा जो पोता है ना बहुत पोता कहती है ही है, लेकिन जगह कैसे, क्योंकि जब पैदा हुआ था तब मैंने जगा था, इसलिए ये आज ये जगह। उस समय मेरा पोता खच्चर नहीं था क्योंकि छोटा सा लल्ला था तो सो रहा था, अभी जो इतना नटखट है भी काम इसी करना चाहिए, सबसे सज्जन इसकी छोटकी दादी, इसलिए पोता ये बात तो है, इसकी दादी छोटी दादी बोल रहे हैं तो दादी के बारे में पूरा प्रखंड को पता है। यही तो है, यही तो है, दादी तो इसकी दबंग है, लगा लेती है सवेरे सवेरे। आंटी कहीं जाए या ना जाए पूरा एकदम फिट। हाँ हम कहीं जाए या नहीं जाए लेकिन हम 24 घंटा एकदम फिट। हमको तो लॉकडाउन में इतना अच्छा ड्रेस मिला है, हम तो वही पहन। और जो है ना अभी एक और अगर देखिए मेरे नाप का नाइटी है तो मेरे लिए भेजिए जल्दी, फिर वीडियो बनाएंगे वो नाइटी पहन के। ये अपना प्रसाद खा रहा है, माँ के लिए मैं सोचता है कोई छील लेगा आराम से चुपचाप। सबसे पहले एक बात हम कहना चाहेंगे कि वर्षों बाद 84 में मेरी शादी हुई है, 9 मार्च को मेरी दोनों बहन की एक साथ मेरे भाई का जन्म। माँ की एनिवर्सरी भी आने वाली है, दोनों बहन की, मेरे भाई का जन्म। आप लोग दिल थाम के रहिएगा, हम लोग एनिवर्सरी मनाने वाले हैं। पर दोनों बहन की शादी हुई है और इत्तेफाक आज हम दोनों बहन एक साथ हैं बहुत दिनों बाद, इसलिए 9 मार्च को मेरा सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी है, और सालगिरह उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वही बात है, मैथिली में हमारे ब्याह छी, इसलिए आप लोग भगवान से दुआ कीजिए। जो 50वां भी मैं आप लोग इंतजार कीजिएगा, हम शादी मनाएंगे। हाँ 50 वाला धूमधाम से, भगवान करे माँ को मम्मी को सबको स्वस्थ रखे, डैडी को पापा को। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम लोग के पति स्वस्थ रहे और साथ ही आपके पति भी सबका सुहाग बना रहे, साथ मेरा भी रहे। 20 मिनट्स लेटर जो है पति देव आराम से सोए हैं, उस रूम से भाग करके स्टोर रूम में आके सोए हैं। ये हमारा स्टोर रूम है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान रहता है, तो यहाँ पे ये आराम से सोए हुए हैं क्योंकि इनकी तबीयत हो गई है खराब। ये देखिए मेरा फ्रेम, क्या कहना ला, चलो 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 इस रूम से चलो। इस रूम में क्रियांश को हम लोग आने ही नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान है, सब फेंक फाक देता है। चलो इन दोनों का सब देख सकते हैं, एक बार इन्वर्टर बंद कर दिया, क्रियांश ऑन करिए बेटा। ये देख सकते हैं ये नीचे जाने का प्रैक्टिस कैसे जा रहा है, ये देखो इसको, दादी लोग नीचे गए, गिर जाओगे ना पता चल जाएगा तुमको, चलो देख लो ना जल्दी आओ नीचे, चलो मम्मी करने चलो, इसको ऊपर में मन ही नहीं लगता है, नीचे जाएगा तबाही मचाने के लिए। रुको रे, कैसे कर रहा है, देखो ससुरे जा रहा है, ससुरे जा रहा है, पकड़ नहीं नहीं दे रहा, गंदा लगता, पकड़ लियो मैंने, पकड़ लियो, बम बम कर लिया ना जय जय भी कर लिया, बताओ छबको मैं नहाई नहाई करके जय जय करके आ गया हूँ, बोलो। ये अपना शर्ट मोड़ रहा है, बाय बाय कर दो, बाय बाय, खाना खाने जा रहा हूँ, टी का दिखा रहा है अपना, बोला मैं खाना खाने जा रहा हूँ डूडू पीने, फिर मैं छो जाऊंगा, ओके बाय। 2 hours later और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हमारे घर में एक और शादी है जो कि मार्च में है, स्टार्टिंग मार्च में है, तो उसकी भी शॉपिंग करनी है हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग कब जा रहे हैं, कब शॉपिंग करवा रहे हैं आप, देखो कब करते हैं, कोई ठीक नहीं है, शॉपिंग होगा भी कि नहीं पता नहीं, नहीं करवाना तो पड़ेगा है आंटी, शॉपिंग तो जरूरी है, शॉपिंग हम जल्दी कपड़ा नहीं खरीदते, आप लोग भी देखते होंगे हम कपड़ा नहीं खरीदते, लेकिन इस बार मम्मी और आंटी ने बोला है कि तुमको अच्छा अच्छा कपड़ा लेना है, तो इसलिए ये शॉपिंग करवाएंगे, तो इस बार हमको बहुत अच्छी अच्छी साड़ी लेनी है, नंद की शादी है तो अच्छा तो कपड़ा लेना बनता है, तो कल हम लोग सब कोई पूरी फैमिली जाएंगे शॉपिंग करने के लिए पूर्णिया, जो कि हमारा फेवरेट शॉप है सारी संसार, खाटू श्याम का भी दर्शन करेंगे, पूरन देवी मंदिर भी जाएंगे, सारा दर्शन वगैरह करके कल शॉपिंग करेंगे फिर आएंगे, समझे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और 12 बजे से पहले जाएंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा,
लगता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है तो आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिलहाल के लिए बाय बाय।